हेलो एवरीबॉडी, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ। आज से ये वीडियो के थ्रू आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज कि पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन में जो नॉर्मल मिसकंसेप्शन होते हैं, जो लोगों को अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएट करने की रुकावट बनते हैं, ऑब्स्टिकल बनते हैं, वो मिसकंसेप्शन क्या है, एंड उस मिसकंसेप्शन को आई विल बी ट्राइंग टू बस्ट सो दैट यू डोंट बिकम विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ टू लवली किड्स, हस्बैंड टू अ लविंग वुमन। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, नाउ टर्निंग टू अ वेल्थ कोच, एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख फैमिलीज लाइक योर्स टू लिव अ फाइनेंशियली वरी फ्री लाइफ एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो एक बार फिर से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं हम सबसे जो बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की ऑब्स्टिकल बनती है, वो ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि आई एम इन्वेस्टिंग 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 डिपेंडिंग अपन वॉट एवर दे आर एबल टू सेव। और फिर उनको ये लगता है कि सिंस आई एम सेविंग एंड आई एम इन्वेस्टिंग, तो मेरे फ्यूचर में हमारी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी रिक्वायरमेंट आई विल बी एबल टू मैच विथ, मेरी सारी रिक्वायरमेंट मैं उससे कर लूँगा। ये मिसकंसेप्शन इसलिए है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ऑब्जेक्टिविटी इज मिसिंग। इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता कि व्हाट विल बी दी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन दी कॉर्पस विच दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। अगर बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एजुकेशन 10-15 साल के बाद है, तो 10-15 साल में अगर इन्फ्लेशन की एजुकेशन की इन्फ्लेशन अगर 10% है, तो अगर आज की तारीख में उसकी कॉस्ट 15 लाख है और 10 साल के बाद वो 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से वो क्या होने वाली है, और उसके हिसाब से उनको कितना राशि जमा करना है, और आज वो इन्वेस्ट कर रहे हो उतना राशि जमा करके देगा कि नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन टू द पर्सनल फाइनेंस। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि बच्चे की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे और 15 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई है और 12% के रिटर्न का पोर्टफोलियो उनका दे रहा है, सो दे वुड बी एबल टू सेव अराउंड 47,59,314, राइट, 15 साल के बाद। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उनको एक्चुअली ये जो अगर वो 10,000 रुपये सेव कर रहे हैं तो उनको जो जमा राशि होने वाली है वो एक्चुअली 47 लाख के करीब होने वाली है। अगर वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते तो अगर बच्चे की एजुकेशन 15 साल के बाद है, राइट, उनकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट वो 2 साल के पहले बंद कर देंगे तो उनको टोटल 13 साल का इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने को मिलेगा। अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए जो राशि चाहिए उनको वो 25 लाख है और इन्फ्लेशन 10% है, तो आप देख सकते हैं कि उनको जो राशि जमा करने की, इन्वेस्टमेंट करने की जो रिक्वायरमेंट है इस इन्वेस्टर की ये केस स्टडी में, डेट इज अराउंड 22,911। तो आप देख सकते हैं कि ये केस स्टडी वाला जो इन्वेस्टर है वो 10,000 रुपए रोक के ये समझ रहा है कि आई बी एबल टू मीट विथ माई चिल्ड्रंस एजुकेशनल एक्सपेंसिस, बट अगर वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते तो उनको पता चलता कि अगर एजुकेशन की वैल्यू आज की तारीख में 25 लाख रुपए है और मुझे 10% इन्फ्लेशन को प्रोवाइड करना है तो आई नीड टू सेव अराउंड 22,911, सो देयर इज ऑलमोस्ट 50% लेस इन्वेस्टमेंट व्हिच इज बीइंग मेड बाय इन्वेस्टर। सो ये नॉर्मल मिसकंसेप्शन है कि आप सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके सारे फ्यूचर के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाएंगे। कई बार ये भी डिस्कशन में आता है कि हमारे पास एडिक्वेट सरप्लस नहीं है तो हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो दो चीजें उसमें मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि नॉर्मली पानी और पैसे की एक नेचर है, जैसे पानी की नेचर है कि अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढ लेगा, उसी तरीके से पैसे की भी एक नेचर है, अगर आप उसको सही डायरेक्शन में नहीं डाइवर्ट करोगे तो वो अपनी डायरेक्शन ले लेगा। सो अगर आपके पास गोल बेस्ड प्लानिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपके जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, जैसे कि आप छोटे टीवी यूज कर रहे हो तो आप बड़े टीवी लेने जा रहे हो, या तो आप टू व्हीलर यूज कर रहे हो तो आप प्रीमियम टू व्हीलर में जा रहे हो, या तो आप कोई बेसिक फोर व्हीलर यूज कर रहे हो आप प्रीमियम फोर व्हीलर में जा रहे हो, इस तरह के जो लाइफस्टाइल एक्सपेंस करते हैं अब हम,
जो हमें नीड समझ के आता है तो वो वांट है, तो हमें नीड के ऊपर फोकस करना है। तो फर्स्ट यू नीड टू कंसिडर योर प्रेजेंट नीड, मतलब जो लाइफस्टाइल, जो आपकी लिविंग वो कॉस्ट होती है उसको प्रोवाइड कर दो, और फिर आपकी फ्यूचर नीड जैसे कि बच्चे की एजुकेशन है। अगर इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज करो इतने बैठोगे कि आपकी प्रेजेंट नीड, फिर उसके बाद फ्यूचर नीड और फिर लाइफस्टाइल, तो आप यू विल बी एबल टू सेव, आप उसको सेव भी कर पाओगे। अगर वो नहीं हो सकता आपके पास, तो फिर आती है देर इज एन इंक्रीमेंटल ऑप्शन अवेलेबल विथ यू, कि अगर आप इंक्रीमेंटल SIP करो, मान लीजिए कि आपकी अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंट सिनेरियो 25 लाख है, आप 15 साल के बाद, 13 साल के बाद आपको ये पैसे चाहिए, इन्फ्लेशन आपकी 10% है, रिटर्न 12% है, तो आपको रेगुलर SIP करोगे तो आपको 24,000 रुपए करने पड़ेंगे। पर अगर आप इंक्रीमेंटल SIP करोगे, जहां पे आपकी जो हर हर साल में आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5% से बढ़ाओगे, सो यू यू विल बी एबल टू मीट विद दिस अमाउंट बाय इन्वेस्टिंग 19,280 पर मंथ, अगर आप 10% की इंक्रीमेंटल SIP करोगे। ये इंक्रीमेंटल SIP क्या है, तो कि पहले साल में अगर आपने 14,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो अगले साल 14,000 प्लस 10%, मतलब 15,1400, और उसके बाद उसके 10% बढ़ाते जाओ। तो ये स्टेप अप SIP आपको इसलिए यूज में आने वाली है कि आपकी जो इनकम होती है उसमें भी आपको इंक्रीमेंट मिलता है, तो यू कैन मैप योर SIPs विथ योर इंक्रीमेंट्स, और आप उसी तरीके से भी आप अपनी जो जमा राशि है उसको कर सकते हो। तो ये कंसेप्शन अगर आपके पास है कि आप सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने फाइनेंशियल प्लान नहीं की है, तो हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट कैश फ्लो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके फ्यूचर के गोल के लिए एडिक्वेट राशि जमा करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, बट आपके पास पर्सनल फाइनेंस नॉलेज नहीं है, आपके पास प्लानिंग की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ। सो आपको देर आर वेज एंड मीन्स, बट आपको ये तय करना पड़ेगा कि गोल क्या है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या है, और आप इसको उस इन्फ्लेशन के इंपैक्ट के हिसाब से जो राशि जमा करनी है, जो कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको आज की तारीख में कितना सेव करोगे, वो आपको अगर प्लानिंग करोगे तभी आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर पाओगे। राइट, सो ये सोच के मत चले कि सिंस आई एम सेविंग समथिंग सो आई विल बी एबल टू मीट विथ ऑल माई फ्यूचर फाइनेंशियल गोल, क्योंकि हो सकता है कि आप कर भी लो, बट दैट अगर आपने ठीक से प्लानिंग किया है तो यू विल बी श्योर ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग द मनी। अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं फॉलो कर रहे हो, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप सेविंग कर रहे हो बट फ्यूचर में आपको फिर भी अपने गोल के लिए कम कॉर्पस इकट्ठा होगी और यू विल बी एबल टू सेटल लेस। हालांकि अपॉर्चुनिटी पहले थी बट आपने प्लानिंग नहीं की, उसकी वजह से यू लॉस दैट अपॉर्चुनिटी, और आपको कम पैसे से बच्चे की पढ़ाई करवानी पड़ेगी या शादी करवानी पड़ेगी, या तो रिटायरमेंट में आपको कम पैसे के काम चलाना पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है पर्सनल फाइनेंस में कि मैं कुछ कर रहा हूं सो आई एम डूइंग बेटर। इट्स नॉट दी बेटर, यू नीड टू डू एडिक्वेट प्रॉपर सचोट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहे हैं, और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी आप मिस कर लोगे और आपको आगे जाके आपकी फाइनेंशियल नीड में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो आई होप ये छोटी सी जो वीडियो मैंने आपके लिए आज प्रिपेयर की है कि जो कॉमन मिसकंसेप्शन की सीरीज में कर रहा हूं कि पर्सनल फाइनेंस में ऐसे कौन से मिसकंसेप्शन है जो आपको अपनी फाइनेंशियल वेलबींग या तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से रोक रहे, तो उसमें से ये पहला वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस तरीके के कंटेंट जब मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, उनको भी ये शेयर करें, ताकि उनको उनकी भी ये मिसकंसेप्शन दूर हो और वो भी अपनी फाइनेंशियल वेलबींग अचीव करने में सक्सेसफुल हो। डेट इज वॉट माई प्रिसाइस ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग दिस चैनल्स। अगर आप इस तरीके की अपडेट लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से मुझे जुड़ सकते हैं। आई एम रनिंग वेरियस व्हाट्सएप फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप, तो मेरी व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9328190022। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ 9328190022। इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज तभी आपको मिलेगी जब आपके मोबाइल में मेरा नंबर स्टोर होता है। यू स्टोर माय नंबर एज प्लेनेट वेल्थ और फिर मुझे व्हाट्सएप से हाई लिख के भेज दीजिए, हाई ऐड मी करके आपका नाम लिख के भेज दीजिए, सो आई विल बी एडिंग इनटू माय व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। आप मेरी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं प्लेनेट वेल्थ करके है,
या तो फेसबुक पे आप मेरे से फाइनेंशियल वेलबींग ग्रुप सर्च करके उसके भी मेंबर हो सकते हैं। सो दीज आर द वेज एंड मीन्स जिसके थ्रू मैं आप तक पहुंचता हूं और आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की, ताकि आप इस फाइनेंशियल लिटरेसी को यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन आसान बना पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे क्वेश्चन पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मे गॉड शावर अबंडेंट वेल्थ टू यू। थैंक यू।